हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेडेक्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए गाइस, एमसीसी की सेकेंड राउंड की रिजल्ट जो है अभी से थोड़ी देर पहले पब्लिश कर दिया गया है। तो एमसीसी की सेकेंड राउंड में एमबीबीएस की कट ऑफ क्या गई है, 2024 का सेकेंड राउंड में कट ऑफ क्या आई है और फर्स्ट राउंड में क्या गई थी, दोनों का जो है सारे कैटेगरी का, यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारे कैटेगरी का कंपेयर करने वाले हैं। कितने ऑल इंडिया रैंक पे, कितने स्कोर पे और कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया गया है ऑल इंडिया कोटा से, यानी कि 85% की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी की, उसके थ्रू। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम लेस के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए एमसीसी की सेकेंड राउंड एमबीबीएस कट ऑफ 2024। देखिए सेकेंड राउंड की कट ऑफ हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 22,995 ऑल इंडिया रैंक पे 655 स्कोर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागालैंड अलॉट किया गया है। वहीं फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो ऑल इंडिया रैंक गया था वो था 19,603 ऑल इंडिया रैंक पे 660 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया गया था। यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में ज़्यादा का डिफरेंस कुछ नहीं आया, बस 5 मार्क्स का आया है। यानी कि 655 प्लस जो है सो आपको 655 नंबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कटअप किया है एमसीसी की सेकेंड राउंड में। तो 23,000 के आसपास रैंक रह गया, इससे ज़्यादा जो है सो मान के चलिए बहुत ज़्यादा, तो 800 के आसपास रैंक जो है सो थर्ड राउंड में आपको नीचे की ओर जाएगा। लेकिन देखिए इस बार का कटअप कितना हाई गया, 655 मार्च जो है सो सेकेंड राउंड में गया है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 23,358 ऑल इंडिया रैंक पे 655 मार्च पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागालैंड अलॉट किया गया है। फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 20,281 ऑल इंडिया रैंक पे 658 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया गया था। तो ओबीसी की कैटेगरी की भी कट ऑफ हाई गई है सेकेंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 26,720 ऑल इंडिया रैंक पे 650 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागालैंड अलॉट किया गया है सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड की बात करें तो 23,419 ऑल इंडिया रैंक पे 655 मार्च पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया गया था। एससी की बात करें तो एससी की 125,103 ऑल इंडिया रैंक पे 560 मार्च पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम अलॉट किया गया है सेकेंड राउंड में। वही फर्स्ट राउंड की बात करें तो 105,676 ऑल इंडिया रैंक पे 575 मार्च पे एससी कैटेगरी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया गया था। अब बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी की 155,826 ऑल इंडिया रैंक पे 536 मार्च पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुद्धनगर अलॉट किया गया है सेकेंड राउंड में। वहीं फर्स्ट राउंड की बात करें तो 145,207 ऑल इंडिया रैंक पे 544 मार्च पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया गया था। तो देख सकते हैं कि एमसीसी की सेकेंड राउंड में एमबीबीएस की कटअप बहुत ही हाई गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की 655, ओबीसी की 655, ईडब्ल्यूएस की 650, एससी की 560, एसटी की 536। ये जो है सो मैंने आपको एमसीसी की सेकेंड राउंड की एमबीबीएस की कटअप इस वीडियो में बता दिया। और भी सारी कटअप जो है सो एम्स का कटअप किया गया सेकेंड राउंड में, बीडीएस की कटअप किया गई, और भी सारी चीज़ की कटअप किया गई है, वो मैं आगे की और वीडियो लेकर के आऊँगा। डिम्ड का कटअप किया गया, वो आगे की वीडियोज में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कटअप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।